कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न है ये। नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दो। पहला भाग है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे तक सारी गिनती, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। यही इनमें एक अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। देखो, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या, इस प्रकार से जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होंगी। अतः यह कथन सत्य है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा भाग है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें आप देखिए कि जो पूर्णांक है वो होते हैं माइनस संख्याएं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आगे तक। अब इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 आगे तक की गिनती तो ठीक है, लेकिन पूर्णांकों में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें कि हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, -6, -5, -4 भी होती हैं, जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो यह कहना कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है गलत है, क्योंकि पूर्णांकों में जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इसलिए यह कथन असत्य है। इसी प्रकार से तीसरा भाग है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फिर से, परिमेय संख्याएं जितनी भी पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्याएं हैं, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1। इसके अलावा 1/2, 2/5, 3/7, 4/9, 3/11, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, ये आगे सारी गिनती। तो आप स्वयं ही देख सकते हैं कि इसमें काफी सारी बटे वाली संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं, जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं होती। तो यह कहना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी गलत है। इसलिए यह कथन असत्य है।